एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी पर्यटन विभाग का ये स्लोगन ऐसे ही नहीं बना होगा। अब इस नजारे को देख लीजिए, कैसे एक बड़ी सी चट्टान एक धुरी पर खड़ी है, वो भी सदियों से। ना तो इस पर किसी भूकंप का असर हुआ, ना ही तेज तूफान का। इसका नाम है बैलेंस रॉक और ये अजूबा मौजूद है जबलपुर के मदन महल की पहाड़ियों पर। ये निर्माण इंसानी नहीं बल्कि प्राकृतिक है और इसे देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। जबलपुर शहर चट्टानों पर बसा एक शहर है। यहाँ अद्भुत नज़ारे हैं, भेड़ाघाट हो, धुआंधार हो, ऐसे कई नज़ारे हैं जिसके लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। हमने सूचना मिली कि यहाँ बैलेंस रॉक है और हम यहाँ देखने आए तो बड़ा ताजुब हुआ कि इतना बड़ा पत्थर जो इतना वजनदार है वो एक छोटे से स्थान पर टिका हुआ है। जैसे देखने को ऐसा लगा कि वो अभी भी गिर जाएगा और काफ़ी सुंदर है, बढ़िया है। यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आया था मैं, तो मालूम चला कि यहाँ पर एक बैलेंसिंग रॉक करके एक प्लेस है, तो मैं ज़रा आया देखने के लिए। सो रास्ते में मैं ज़रा बात करते आ रहा था तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर भूकंप वगैरह आया हुआ है। आने के बाद भी अभी देख रहा हूँ कि भूकंप आने के बाद भी ये पत्थर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी तक इंटैक्ट है। सो अभी इट इज़ लाइक क्वाइट अ वंडरफुल थिंग, एक जियोलॉजिकल वंडर यू कैन से, कि अभी तक ये पत्थर वहाँ पर रुका हुआ है। बारिश आई, आंधी तूफान आए, फिर भी ये पत्थर वहीं पर इंटैक्ट है अभी के अभी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा प्राकृतिक निर्माण हुआ कैसे होगा, तो इसको जानने के लिए आपको ले चलते हैं प्रोफेसर डीके देवलिया के पास। देवलिया भूगर्भ शास्त्री हैं और उनके पास इस रहस्य की जानकारी जरूर होगी। देखिए, जब इरोजन हुआ ना, लगातार इरोजन होता गया तो ब्लॉक तो एक के ऊपर एक रखे हुए थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एक टिप बच गई, उस टिप पे ये जा करके टिक गया। और इसका जो मेन रीजन था वो है दोनों ब्लॉक की, या दो से ज़्यादा भी ब्लॉक होंगे, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है इसलिए इनके गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये सामान्यतः आप देखोगे तो ये ग्रेनाइट जो चट्टान होती है, और ग्रेनाइट से हम सभी परिचित हैं, और ये ग्रेनाइट जो जबलपुर का है, ये हमारे सबसे पुरानी जो चट्टाने हैं जिसको हम मेटामॉर्फिक चट्टाने कहते हैं, जो भेड़ाघाट तिलवाराघाट में मिलती है, उस पर इसका अंतर्वेधन हुआ है। और इस चट्टान की विशेषता ये होती है कि इसमें म्यूरल जॉइंट्स डेवलप होते हैं, जो ऐसे वर्टिकल भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरी चट्टानों को क्यूबिकल फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में तोड़ देते हैं। फिर कालांतर में जैसे ही आगे अपन और समय बढ़ता जाता है तो इनका अपरदन शुरू होता है। जब अपरदन शुरू होता है तो सबसे पहले अपरदन होता है किनारे पर, कॉर्नर पर। तो धीरे धीरे आप देखिएगा, कोई भी क्यूबिकल बॉडी है, यदि उसका अपरदन स्टार्ट होता है और किनारे से स्टार्ट होता है, तो क्यूबिकल बॉडी गोल होने लगती है। तो इस तरीके से ये ब्लॉक गोल हुआ, नीचे का भी गोल हुआ, और भी गोल होते चले गए, और इस तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये हमको दिखाई देते हैं कि हाँ, ये बैलेंस रॉक के रूप में रखे हुए हैं। तो सुना आपने, ये है गुरुत्वाकर्षण बल का कमाल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 1997 में इस इलाके में रिक्टर स्केल तीव्रता 6.3 का भूकंप आया तो भी इस पत्थर को हिला नहीं पाया। आपको बता दें कि जबलपुर ग्रेनाइट चट्टानों के लिए मशहूर है। इन्हीं चट्टानों के बीच में स्थित मदन महल की पहाड़ियों पर रानी दुर्गावती का किला है। रानी दुर्गावती के किले के पास ही है बैलेंस रॉक। तो शायद अब आप भी मान लिए होंगे कि सच में एमपी अजब है, सबसे गजब है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।